सोलन क्राफ्ट बाजार लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल पूरे भारत से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से वह विशाल प्रदर्शनी नई रेंज के साथ, जहां आपको मिलेगी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और बच्चों की ज्ञानवर्धक पुस्तकों की प्रदर्शनी, बच्चों के खिलौने, सहारनपुर फर्नीचर, सोफा कम बेड, लेडीज चप्पल, फुलकारी सूट, लखनऊ चिकन सूट, आटा गूंदने वाली मशीन, चपाती मेकर, हेल्थ प्रोडक्ट्स, मेलामाइन क्रॉकरी, इंडक्शन कुकर, फेंग शुई, 3D फोटो फ्रेम, कश्मीरी कार्पेट, इलेक्ट्रिक तंदूर, रेडीमेड गार्मेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी व अन्य बहुत सारी वैरायटी आपका इंतजार कर रही है। सोलन क्राफ्ट बाजार सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक, मुरारी मार्केट, दमोल रोड, सोलन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं इस दिन होने वाले कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य पूर्व अभ्यास भी शुरू हो चुका है। रिज मैदान पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों सहित NCC एवं NSS कैडेट्स कदम ताल करते नजर आए। ASP शिमला प्रवीण ठाकुर ने बताया कि 15 अगस्त को रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होने वाली परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड सहित NSS कैडेट्स भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस मर्तबा अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को 15 अगस्त को रिज मैदान पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए 3 एंट्री पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसमें पुलिस रिपोर्टिंग रूम और गेटी के बीच वाली सीढ़ियां, लक्कड़ बाजार और चर्च के पास से लोग आ सकेंगे। इसके अलावा HPMC और आशियाना के साथ वाली सीढ़ियों के मार्ग को प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला को 4 सेक्टर में बांटा गया है और CCTV कैमरे के जरिए भी हर एक गतिविधि पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त मनाया जा रहा है और इस बार राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो शिमला में रिज पे होगा और बहुत भव्य परेड का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ITBP, JNK पुलिस और NCC, NSS, होम गार्ड और स्काउट एंड गाइड, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्टिजेंट्स और भव्य परेड यहाँ पे होगी। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का है, इस बार थोड़ा सा हमने बढ़ाया है सुरक्षा का, तो जितना हर साल सुरक्षा में कर्मचारी लगते थे उससे थोड़ा इस बार ज़्यादा लगाए हैं, थोड़ा थर्ड परसेप्शन पे देखते हुए, और आर्म पुलिस भी काफ़ी इस बार हमने इंक्रीज़ किया। और जो इस मैदान रिज मैदान पर आने के लिए हमने 3 एंट्री पॉइंट रखे हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं, जैसे कि पुलिस रिपोर्टिंग रूम और गेटी के बीच की जो सीढ़ियाँ हैं और ये अपना लक्कड़ बाजार की तरफ से आ सकते हैं और इधर चर्च की तरफ से रानी झांसी पार्क होते हुए आ सकते हैं। जो HPMC जूस पार वाला जो रास्ता है ऊपर, मदर चौक से ऊपर वाला, वो बंद रहेगा और वैसे ही ये जो सीढ़ियां हैं आशियाना के साथ नीचे की ये वाली भी बंद रहेंगी, तो लोग इन्हीं 3 मार्गों से यहाँ पर आ सकते हैं। और जो भी इस समारोह में आएगा उसकी प्रॉपर फ्रिस्क होके आएगा, चेकिंग उसकी प्रॉपर होगी, ताकि वो कोई भी ऐसा सामान लेके ना आए जिससे कोई खतरा हो, तो इसके लिए हमने चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान जो है रहेंगे और पूरे एरिया को हमने 3-4 सेक्टर में बांटा है। लाइव टाइम्स TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।